हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और फैशन प्रीटिकन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज जो मैं रेमडी आपसे शेयर कर रही हूँ वो पिंपल के लिए बहुत ही अच्छी और असरदार रेमडी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल के अकॉर्डिंग लेमन पाउडर लिया है। आप चाहें तो लेमन जूस भी ले सकते हैं। कि मैंने इसमें 2 टेबल स्पून हनी ऐड किया है और 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड किया है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रेमडी या पैक जो भी आप कह लें बनके तैयार है। तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे अच्छे से यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिपस्टिक का एक खाली कंटेनर लिया है और मैं इन सबको इसमें भर लूँगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से इस लिपस्टिक के कंटेनर में भर लिया है और अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तब तक के लिए जब तक कि ये अच्छे से फ्रीज ना हो जाए। अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो आपके पिंपल होने की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो ये लीजिए, मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है और ये अच्छे से फ्रीज हो चुका है। तो आइए अब मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको इसे अपने पिंपल वाले जगह पे लगाना है। तो जहाँ पे आपको पिंपल हुआ है वहाँ पे आप इसे गोल गोल घुमा के ऐसे टॉट टॉट करके लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रही हूँ। या फिर आप चाहें तो अपने फिंगर की मदद से ऐसे टैप टैप करके अपने पिंपल वाले जगह पे लगा लें और लगाने के एटलीस्ट 15 मिनट तक आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद अपना फेस वॉश करें। आइए अब देखते हैं सेकेंड रेमडी या टिप्स। सेकेंड रेमडी दोस्तों मैं घमोरियों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कभी सर्दी कभी गर्मी, तो घमोरियाँ निकलना आम बात होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप आइस क्यूब ले लें और अपने घमोरियों वाली जगह पे ऐसे लगाएं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। लेकिन आपको गर्म बॉडी में नहीं लगाना है, मतलब कि आप कहीं बाहर से आए तो आपको तुरंत नहीं लगाना है, जब बॉडी पूरी रिलैक्स हो तब लगाना है। घमौरियों के लिए सेकेंड टिप्स है, आप गाय का शुद्ध देसी घी ले लें और अपने घमौरियों वाले जगह पे जैसे तेल लगाते हैं उस तरह से लगाएं और इसे आप दिन में कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर करें। इससे आपकी घमौरियाँ जल्द ही ठीक हो जाएंगी। घमौरियों के लिए थर्ड टिप्स में आप कोकोनट ऑयल ले लें और इसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें और कपूर मिले तेल से आप अपने घमौरियों वाली जगह पर अच्छे से मालिश करें, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में अभी करके दिखाऊंगी। आपको इसे नहाने के एटलीस्ट 20 मिनट पहले ही लगाना है और उसके बाद जब 20 मिनट हो जाए तो आप जाके नहा लें। इसका यूज़ भी अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको घमौरियों से जल्द आराम मिलेगा। एंड लास्ट टिप्स, एलोवेरा घमौरियों के लिए एक अच्छा तरीका माना जाता है। इसे घमौरियों में लगाने से ठंडक मिलती है और इससे भी घमौरियाँ जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो और कौन सा टिप्स आपको पसंद आया है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।